नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। श्रावण पुत्रता एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रता एकादशी का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु को ये जो तिथि है वो समर्पित होती है, जिन भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा करनी चाहिए। कुछ खास उपायों के बारे में हम आज बात करेंगे। पुत्रता एकादशी जो है, अगर हम समय की बात कर लें तो 30 जुलाई की रात को 1:49 से तिथि शुरू हो जाएगी और तकरीबन 30 जुलाई की दिन में 11:49 तक ये तिथि रहेगी। जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय जो रहेगा वो 31 जुलाई को सुबह 5:42 से लेकर के 8:30 तक रहेगा, और ये जो तिथि है द्वादशी तिथि ये 10:42 तक 31 जुलाई को रहेगी। अब हम इस दिन की बात कर लेते हैं, तो इस दिन क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में खुशहाली नहीं है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, तो आपको इस दिन कोशिश करनी चाहिए इस एकादशी से शुरू करके आपको 27 दिन तक किसी भी कृष्ण मंदिर में बादाम और नारियल जाके अर्पित करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को पूरा पान का पत्ता अर्पित करें। उसके बाद आप पूजा के बाद उस पान के पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिखिए और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख देने से भी आर्थिक समस्याएँ जो हैं वो खत्म होती हैं। इस दिन अगर आपके जीवन में सौभाग्य की कमी है, आर्थिक समस्याओं के साथ साथ टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो इस दिन संध्या काल के समय पीले चंदन या केसर में आप लोग गुलाब जल मिलाएं और उसके बाद उसे अपने माथे पर थर्ड आई चक्र पर तिलक करें। ऐसा आपको नियमित रूप से एक पक्ष तक करना चाहिए और आप देखेंगे ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य में आ रही कमी खत्म होती है। जो लोग संतान रहित हैं या जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए इस दिन आप लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को नियमित रूप से माखन मिश्री और दूध का भोग लगाना शुरू करें। इसके अलावा नियमित रूप से केसर अर्पित करने से भी आपके जीवन में संतान संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं। पुत्रता एकादशी वाले दिन किसी भी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल पर या अपने घर के आंगन में वृक्षारोपण अगर आप करते हैं, आंवले का, तुलसी का, इन सब का पौधा अगर आप लगाते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ दंपति जो है साथ में मिल करके उस पौधे को सींचते हैं, ऐसा करने से भी जो संतान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। तो इन कुछ खास उपायों के साथ मैं आशा करती हूँ आपके जीवन में भी पुत्रता एकादशी जो है वो खुशियाँ लेकर के आए। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।